विजय दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कविता के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। ग्वालियर महाराज बाड़े पर दीप प्रज्वलित कर कारगिल विजय दिवस की संध्या के आयोजन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के माध्यम से देश के प्रसिद्ध कवियों द्वारा काव्य रचनाओं के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 527 शहीद वीर सैनिकों की शहादत पर नमन करते हुए उन्हें याद किया। संस्था अध्यक्ष श्री राकेश जादू ने एवं सचिव श्री विभल सेंगर ने बताया कि गुरुवार सायं महाराज बाड़े पर सैकड़ों दीप जलाकर शहीदों को नमन किया गया। तत्पश्चात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल युद्ध में आशीर्वाद अपने प्राणों का बलिदान दिया। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। इनके बलिदान के कारण राष्ट्र के नाम ये शहीदों का मंच है। माता चार पंक्तियाँ का वो भूभाग दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था वो मुक्त हुआ। इनके कारण ही कारगिल विजय सुनिश्चित हुई। ऐसे अमर शहीदों को 527 जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए उनको आज नमन करने का दिन है। आज पूर्व संध्या है। कल सुबह सलामी होगी इन शहीदों के सामने। आज श्रद्धांजलि कवि सम्मेलन के माध्यम से एक शाम कारगिल के 527 शहीदों के नाम का आयोजन है। उसके पहले दीप जलाए गए। कितने सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम? ये 20 वर्ष हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को मनाते हुए। ग्वालियर से निकेश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।